फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मीशो पार्टीवेयर सैंडल्स, जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं अपनी क्वालिटी एंड लुक्स को लेकर। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन से सैंडल्स मुझे कैसे रिसीव हुए हैं एंड उनकी क्वालिटी अच्छी है या खराब है, कितना वो चल सकते हैं कितना नहीं चल सकते। इन सभी सैंडल्स का लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहां पे जाके इनका करंट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है इन सैंडल्स का। ये है 256 के एंड ये है बेज कलर में एंड ये ऊपर से है ट्रांसपेरेंट एंड ये बहुत ही, मतलब मैंने इनकी बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ देखी और मैंने इनको तब मंगाया एंड आप देखोगे ये मुझे कुछ ऐसे रिसीव हुए हैं। मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, मैंने इनको पहले ही ओपन कर लिया था। ये है इसका फ्रंट लुक एंड इसमें आ जाएंगी कुछ इतनी हील्स। बात करी जाए इनकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी मुझे सच में काफ़ी अच्छी लगी है। इस रेंज में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से सैंडल हमें मिल रहे हैं। ये पहले मुझे लगा कि 256 में इतने प्यारे से लुक वाले सैंडल्स और उनकी क्वालिटी अच्छी मिल पाएगी, बट वेयर करा तो मुझे कम्फर्टेबल भी लगा। अगर आप कुछ इस टाइप के सैंडल्स पहनते हैं जिसमें यहाँ से सपोर्ट होता है पीछे से और आप पहली बार इस टाइप के सैंडल्स ट्राई करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस टाइप के सैंडल्स ट्राई कर रही थी और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, थोड़ा यहाँ से खुला खुला सा होता है ना कि पैर कहीं धरना चले जाए कभी धरना चले जाए, तो उस टाइप का मुझे लगा। बट हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सैंडल्स मैंने अभी तक ओपन नहीं करे, आप ही के सामने मैं इनकी ओपनिंग करने वाली हूँ। सो अभी मैं इसको ओपन कर दिया है। इन सैंडल्स को देखकर तो बिल्कुल दिल ही खुश हो गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये मतलब ट्रांसपेरेंट हील दी हुई है एंड सेम जो यहाँ पे फ्रंट में डिजाइन दिया हुआ है वो इस हील के अंदर भी है एंड ये डिजाइन मतलब शाइन कर रहा है, कुछ उस टाइप का है। अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है। इन सैंडल का प्राइस आपने स्क्रीनशॉट में देख लिया होगा, ये 480 समथिंग के हैं, मतलब 500 तक के ही है। 500 अगर हम इसका मैक्सिमम प्राइस मान के चले, सो ये 500 में बहुत ही ज्यादा सुपर्ब सैंडल्स हैं। नीचे इसमें ये प्लास्टिक का ही बेस मिल जाता है और यहाँ पे ये थोड़ा सा मेटल टाइप का दिया हुआ है। ये सैंडल्स अपनी इन हील्स की वजह से और इसमें ये जो पूरा लुक है उससे ये बहुत ही ज्यादा हर ड्रेस पे अच्छे लगने वाले हैं, एक स्मार्ट सा लुक क्रिएट करने वाले हैं। और इनकी हील्स को देख के तो मेरा बिल्कुल अभी ऐसे मन कर रहा है कि अभी मैं इनको पहनूं और किसी पार्टी में चली जाऊं। आप ही के सामने मैं नेक्स्ट सैंडल्स की भी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये भी मैंने ओपन करके नहीं देखे थे अभी तक। तो ये सैंडल्स यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे रिसीव हुए हैं। ये है इनकी फ्रंट साइड एंड आप जैसे कि देख रहे होंगे कितने ज्यादा प्यारे से हैं और इनका कलर है पीच। और ये है इनकी बैक साइड, बैक साइड से ये है कुछ ऐसे और यहाँ पे देखा जाए तो नीचे से ये ऐसे इस टाइप से फ्लैट्स हैं। इसमें हील्स आप देखोगे, हील इसमें इस टाइप की दी हुई है। इसमें ये जो नग लगी हुई है, अगर मैं इनको पास से दिखाऊं तो वैसे ऐसे लग नहीं रहा है कि ये एकदम से निकल जाएंगी, ये काफी अच्छे से इसमें लगाई हुई है। इस रेंज में ये सैंडल्स भी मुझे काफी अच्छे लगे हैं, इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अगर देखा जाए तो इन सैंडल्स को हम ओनली पार्टी वेयर लुक के लिए पहनेंगे तो ये ज्यादा चल सकती है। मैं अभी ओपनिंग कर रही हूँ हमारे नेक्स्ट सैंडल की और यहाँ पे आप देखोगे ये मुझे कुछ ऐसे रिसीव हुए हैं। आपने भी ये वीडियोस वगैरह में बहुत ज्यादा देखे होंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें मैंने इसका ये कलर मंगाया है और ये मतलब देखने में ऐसे लग रही है कि हमारे पैर को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगी एंड बैक साइड से तो अच्छी क्वालिटी की है,
क्योंकि मैंने इस टाइप की सैंडल पहन ली है और मुझे पता है कि इस टाइप का जो बेस दिया होता है ना, ये काफी अच्छा चल जाता है। तो रेंज के हिसाब से इसकी क्वालिटी ओके ओके है, बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं बोलूंगी। कभी कभार यूज करने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कम रेंज, अगर आपका बजट कम है और कम रेंज में आपको ये अच्छी लग रही है कि आपको इस टाइप की पहननी है और कभी कभी पहननी है, मतलब ये थोड़ा सा कंफर्टेबल आपको खुद ही नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि शायद ये खराब हो जाए, तो उस टाइप का है। इनमें है हमारे नेक्स्ट सैंडल्स, और जब ये मुझे रिसीव हुए तो मैं थोड़ा सा डर गई, इसलिए मैंने इनको ओपन कर लिया था उसी टाइम पे, क्योंकि ये आप देखोगे थोड़ा सा इस टाइप से लग रहे थे कि मैंने इसे कोई ड्रेस वगैरह मंगा रखी हो, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए। तो मुझे खुद को लगा कि यार मैंने कोई ड्रेस वगैरह तो नहीं मंगाई है इस टाइम पे, मैंने सैंडल्स ही मंगाए थे तो उसके लिए तो बॉक्स आना चाहिए था, तो इसमें ऐसा क्या है। तो फिर जब मैंने इसको ओपन करा तो मैंने देखा कि इसके बॉक्स की तो बैंड बजी हुई है। फिर मेरा दिल खुश हुआ तब जब मैंने इसके अंदर से ये देखे सैंडल्स, तो यहाँ पे मुझे सैंडल्स रिसीव हुए हैं। सो इन सैंडल्स को मैंने बहुत ज्यादा घर में इधर उधर मतलब पहन के मैंने चल लिया है और ये मुझे काफी अच्छे लगे, मुझे ऐसा लगा कि किसी भी ड्रेस पे एकदम से अच्छे लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है, फ्रंट साइड से यहाँ पे ये कुछ ऐसे है और इनकी क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी है। यही सेम सैंडल्स आपको मीशो पे तो मिल ही रहे हैं, बाकी अगर आपको मीशो की क्वालिटी पे ट्रस्ट नहीं है तो आप अदर जो फ्लिपकार्ट है उस पर भी देखेंगे तो आपको ये सेम सैंडल्स मिल जाएंगे, आप वहां के थ्रू मंगा सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहे हैं। तो इस टाइप के सैंडल्स कंफर्टेबल होते हैं इसलिए मैंने इनको पिक किया, मेरा मेन रीजन इन सैंडल्स को पिक करने का यही था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने हमेशा से ये सपोर्ट वाले जो होते हैं ना यहाँ से पीछे से वो वाले ही सैंडल पहने हैं, तो ये उस टाइप के सैंडल्स हैं। एंड इनको देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि इनका साइज शायद छोटा आया है, क्योंकि मैंने 7 नंबर किया था ऑर्डर। यस, इनका साइज ना छोटा आ गया एक्चुअली और मुझे इनका 7 नंबर चाहिए था। सो फ्रंट साइड अगर मैं दिखाऊँ इसका तो फ्रंट साइड ये तो मेरे हाथों में ही नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ ऐसे हैं फ्रंट साइड से, एंड ये है इनकी हील्स, हील्स कुछ इतनी आ जाएंगी। एंड इसमें यहाँ पे ये इलास्टिक दी हुई है, ये तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है इलास्टिक। सो इन सैंडल्स को मैंने वेयर करके देख लिया है, सुपर कंफर्टेबल है। इस टाइप के सैंडल्स अगर आप वेयर करते हैं तो आप इस पे जा सकते हैं, ये काफी अच्छे सैंडल्स हैं एंड पूरा आपको ऐसा फील होगा कि ये टोटली वर्थ इट है। सो अब ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं ओपन करने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है उन लोगों को जो अपनी स्किन की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ये मैंने मंगाया है फ्रॉम घर सॉप्स से, यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में मिला है एंड मैं ये सेकेंड टाइम ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम का इसका रिजल्ट काफी अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसको सेकेंड टाइम परचेस करने का सोचा और मैं इसको ओपन करके यूज करने वाली थी। मैंने सोचा कि चलो इसी वीडियो में इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वरना फिर मैं इसको यूज करने लग जाऊंगी तो उसका रिव्यू शेयर नहीं कर पाऊंगी। सो मुझे इसमें ये 10 टॉवल्स रिसीव हुई है, पैक ऑफ 10 है ये। सबसे पहले तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, सेकंड चीज ये है कि जो नॉर्मल टॉवल्स होती है वो फुल ऑफ बैक्टीरिया से भरी होती है और वो हमारे चेहरे पे इन्फेक्शन ला सकती है, पिंपल की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, एक्ने वगैरह की, एंड कुछ ना कुछ हमारे चेहरे पे एक ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती रहती है। सो उसका सोल्यूशन ये है कि बहुत ज्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट ना यूज करके, बहुत ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट ना यूज करके आप क्लीन टॉवल यूज करना शुरू करें सुबह शाम। मेकअप रिमूव करने के लिए भी आप एक क्लीन टॉवल यूज करें, ऐसा नहीं कि आपको मेकअप ही तो रिमूव करना है इसलिए मतलब गंदी टॉवल से ही अपना मेकअप रिमूव करने लगे। मैं अपनी बात करूं कि मैं इनको कैसे यूज करती हूँ, तो मोस्टली मैं बाहर रहती हूँ तो इसलिए मैं एक टॉवल हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ इसकी, और दूसरी चीज ये है कि मैं जब भी अपना फेस वॉश करती हूँ उसके लिए मैंने अलग से दूसरी टॉवल रखी हुई है। मैंने इसकी एक टॉवल पहले ऐसे रखी थी कि जब भी मैं मेकअप रिमूव करूंगी तो मैं उसी वाली टॉवल से रिमूव करूंगी, और जब भी हम अपने चेहरे पे कोई भी होम रेमेडी वगैरह यूज करते हैं या फेशियल करते हैं तो उस टाइम पे हमें एक क्लीन टॉवल की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे भी ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। मुझे अपने चेहरे को ना नीट एंड क्लीन देखना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब नीट एंड क्लीन कैसे, पिंपल फ्री, एक्ने फ्री, डार्क सर्कल फ्री, मतलब ये जितने भी
भी स्किन प्रॉब्लम होते हैं ना उनसे फ्री हो, बस नॉर्मल चेहरा हो, मैं खुश रहती हूँ उसमें। बट अगर थोड़ा सा भी एक दो पिंपल निकलने लग जाते हैं तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। और मैंने इनका रिव्यू बहुत टाइम से करना चाह रही थी बट मेरी वो टॉवल्स यूज हो चुकी थी, उनका मैं क्या रिव्यू करती, और नई मंगाने में बहुत ज्यादा टाइम था। सो इसलिए अब जब ये मैंने दोबारा से मंगाई तो मैंने सोचा इस बार तो मैं पक्के से इनका रिव्यू करूंगी। और इसका साइज इनफ है हमारे फेस को अच्छे से कवर करने के लिए, अच्छे से पोंछने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली पार्लर्स वगैरह में इस टाइप की टॉवल वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसकी दो अच्छी बातें और भी हैं कि ये स्ट्रेचेबल है, दूसरी चीज ये है कि जब हम इससे अपना चेहरा क्लीन करते हैं तो हमारे चेहरे पे ये चिपकता नहीं है। ये मैंने घर शॉप्स से ली है, सबसे पहले मैंने इनकी टॉवल्स इनकी साइट पे जाके ली थी, और सेकेंड टाइम अब जब मैंने मंगाई है तो ये मैंने अमेजोन से मंगाई है, एंड सेम वही क्वालिटी है, आप कहीं से भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। सो इन सभी सैंडल्स की प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी काफी अच्छी आई है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद क्वालिटी खराब आए, बट इनके प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी क्वालिटी मिली है, एंड शायद इसीलिए ये सैंडल्स मीशो में वायरल भी हो रहे हैं इस टाइप से। अब मैं इन पांचों का एक दूसरे से कंपैरिजन दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। सो ये था आज के पार्टी वेयर सैंडल्स का हॉल, एंड इससे पहले मैंने डेली वेयर सैंडल्स का हॉल भी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा अगर आप डेली यूज वाले सैंडल्स ढूंढ रहे हैं तो। और ये पार्टी वेयर सैंडल्स थे। और इसी टाइप के हॉल्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।